यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम का सहारा लेकर राज्यसभा सांसद बनाने के नाम पर 13.25 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार धर्मशाला के नजदीकी क्षेत्र सरा के विकास नाथ नाम के व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाया गया है। उसके पिता हाल ही में पीडब्ल्यूडी से रिटायर हुए थे। विकास नाथ अपने पिता के पैसों को लुटाकर राज्यसभा सांसद बनना चाहता था। वही मामले में एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि एक ठग ने तांत्रिक विकास नाथ से तंत्र की विद्या प्राप्त करने के बहाने से उसके घर में ही डेरा डाला हुआ था। इसी दौरान ठग ने दीक्षा प्राप्त करते हुए विकास कुमार को अपने झांसे में ले लिया और इसी वारदात को अंजाम दिया। अब पुलिस थाना धर्मशाला में 13.25 लाख रुपए ठगने का मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस ने छानबीन शुरू की है। आपको बता दें कि धर्मशाला के साथ लगते ग्राम पंचायत सराह में एक नाथ तांत्रिक से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। सराह गांव के तांत्रिक विकास कुमार को दो व्यक्तियों ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद बनाने का लालच देकर 13.25 लाख रुपए का चूना लगा दिया। विकास ने धर्मशाला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया है। आरोपी नीलेश ठक्कर उड़ीसा व सिद्धांत सिंह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सरागांव के तांत्रिक विकास कुमार को बताया कि उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ घनिष्ठ संबंध है तथा वे चाहे तो उसे राज्यसभा सदस्य मनोनीत करवा सकते हैं। इसके चलते विकास कुमार ने उसके पिता जो हाल ही में लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे के लाखों रुपए राज्यसभा में सांसद मनोनीत होने के लालच में नीलेश के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। पुलिस को दी शिकायत में विकास ने आरोप लगाया कि उड़ीसा के रहने वाले नीलेश ठक्कर व यूपी के सिद्धांत सिंह की राजनीति में अच्छी पकड़ और बड़े नेताओं व आला अधिकारियों से पहचान थी, जिसके चलते वह उनके झांसे में आ गया और उनके बताए बैंक अकाउंट में 13.25 लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए। उसने कहा कि जैसे ही रुपए ट्रांसफर हुए उन्होंने अपने सारे फोन व अन्य संपर्क बंद कर दिए। जी, मेरे पास नीलेश ठक्कर काफ़ी समय से जुड़े हुए थे और मेरे दीक्षित हैं और उन्हीं के द्वारा ये सारी ठगी की प्रकरण हुई है और नीलेश ठक्कर ने ही सिद्धांत सिंह जो है उर्फ सिद्धनाथ को मेरा संपर्क करवाया था और नीलेश ठक्कर के द्वारा अपनी वाइफ की गोल्ड रख करके गोल्ड लोन लिया गया और तकरीबन 2 लाख रुपए की फाइल चार्ज की राशि जो है प्रथम उनके द्वारा जमा की गई और यही कारण रहा कि मैं उनके विश्वास में आया और विश्वास में आने के बाद उन्होंने जो आगे जिस जिस प्रकार से पैसे मुझे बताए मैं सिद्धांत सिंह जी के खाते में समय समय पर डालता रहा और ये 6 तारीख को उन्होंने हमारा पास बनाया था। उस पास के द्वारा हमें लखनऊ योगी जी से भेंट करने के लिए बुलाया था और जब हम 10 तारीख को वहाँ पर पहुँचे तो 10 तारीख से नीलेश ठक्कर और सिद्धांत सिंह दोनों की फ़ोन नंबर बंद हो गए थे और उस समय और उस परिस्थिति में मेरे को लगा कि हमारे साथ पूर्ण रूप से ठगी हो गई है। ये सब प्रकरण उन्होंने बड़े अच्छे से बुना था। पहले वो किसी और के साथ करने की कोशिश में थे पर वहाँ पर कामयाब ना हो करके उनकी पैसे की व्यवस्था नहीं हुई थी, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने वो प्रकरण मेरे ऊपर डाल दिया और राज्यसभा की सीट के उपलक्ष में ये सारी चर्चाएं शुरू हुई थी जिसमें कि वो बाहर से कुछ मेरे को फाइनेंस भी करवाने वाले थे क्योंकि इन सीटों के लिए तकरीबन उन्होंने बताया था कि 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च आता है तो ये सारी व्यवस्थाएं उसमें वो सहयोग करने वाले थे। नहीं, उन्होंने मुझको हर चीज़ से अपने फेवर में लिया हुआ था। उनका कहना था कि हर चरण में हर समय हम आपका साथ देंगे, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं से आपको हम भी करवाएंगे, आप भी कोशिश करें और सहयोग के लिए आपके शिष्य बहुत हैं और उनने अपनी तरफ से भी बहुत दिखाया था मेरे को कि भाई आप किसी प्रकार से चिंता ना करें, हमारे द्वारा जो भी बातचीत योगी आदित्यनाथ जी से की जाएगी वो हमें पुत्र के समान समझते हैं तो हमारी बात को गुरुजी नहीं टालते हैं। नहीं, मेरी कोई भी इस प्रकार की राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं हमेशा पूजा पाठ अर्चना में इन सभी चीज़ों में व्यस्त रहा हूँ, लोक समाज में बस। जी, मैंने धर्मशाला थाने में इस चीज़ की रिपोर्ट लिखवाई हुई है। पुलिस ने अब देखें शिकायत दर्ज हो चुकी है और पुलिस उस प्रकरण में क्या कार्रवाई कर रही है अभी इस उपलक्ष्य में तो मेरी कोई बातचीत हुई नहीं है वहाँ। आपको बता दें कि तांत्रिक विकास कुमार सरागांव में ही तंत्र विद्या का काम करता है। ओडिशा के रहने वाले नीलेश ठक्कर ने तंत्र की दीक्षा लेने के लिए उससे संपर्क साधा और सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह एक माह तक सरागांव में तांत्रिक विकास के पास ही ठहर कर साधना करने लगा। इसी दौरान उसने तांत्रिक को अपने झांसे में लेकर इस ठगी को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा
विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस थाना धर्मशाला में पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी की कॉल डिटेल की जांच के लिए संबंधित कंपनी को पत्र भेजा है, साथ ही उसके बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। ये मैटर रिपोर्ट हुआ है कि यहाँ लोकल कुछ लोग हैं, उनको कोई फेक कॉल आया था और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम पे कॉल आया और राज्यसभा में कोई सीट देने का झांसा दे करके उनसे 13-13.5 लाख रुपए जो है उन लोगों ने एंट लिए हैं। तो ऐसी रिपोर्ट आई है, अभी हम रजिस्टर्ड केस और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें। ये चीटिंग और फ्रॉड 420 में जाएगा जी। ये तो हम बार बार लोगों को कह ही रहे हैं कि ऐसा कोई भी काम टेलीफोन के माध्यम से नहीं होता है, आप किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन ना करें। बार बार कहने के बावजूद लोग झांसे में आ जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और इसी वजह से किसी लालचवश ऐसी पेमेंट कर बैठते हैं, और ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। मैं बार बार यही अनुरोध करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आईडी से, चाहे वो आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपका अपना रिश्तेदार या आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, जो टेलीफोन ना करके ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे किसी तरह के पैसे की मांग करता है या अपना कोई जेन्युइन बड़ा ग्रीवेंस बता करके, कष्ट बता करके पैसे की मांग करता है, प्लीज़ ऐसा ना करें। कोई भी ऐसी आईडी जो आपको लगता है कि आप उस आईडी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तब भी कोई पैसे की डिमांड करे तो ना दें। आजकल ये इंसिडेंट्स कि किसी की फेसबुक आईडी या कोई व्हाट्सएप पे या किसी और तरह से कोई आईडी को हैक करके आपसे ऐसी ठगी करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसा बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है, चाहे कोई भी हो, जब तक आप उसको किसी और माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से पूर्णतया सत्यापित या जांच ना लें कि जो भी व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है उसको आप अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और फिर आप देना चाहें तो दें, अदरवाइज़ प्लीज़ टेक्स्ट मैसेजेस के बेसिस पे या किसी लॉटरी के बेसिस पे या इस तरह किसी कोई सीट का या किसी भी प्रलोभन से किसी को पैसे ना दें। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, जो हैकर्स हैं, समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हैं कि बहुत कम पैसों में आपको, जैसे गाड़ियों का भी हमारे पास आता है, OLX पे गाड़ी के फ्रॉड आते हैं कि आपको 2 लाख की गाड़ी 30,000 में या 40,000 या 50,000 में दे देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। सो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें, और जहाँ बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं अपनी लोकल मार्केट में या कहीं, वहीं से ही आप अपने ट्रांजैक्ट करने की कोशिश करें। नहीं, फ्रॉड कुछ दिन पहले हुआ है इस मैटर में, लेकिन अभी हमारे पास जब सूचना आई है तो एक दो दिन पहले ही केस रजिस्टर हुआ है अभी।